पास एवरी थिंग, सो वन रूफ में सब मिल जा रहे हैं, तो हम लोग के पास टाइम नहीं होता है. सो आई गेस द बेस्ट इज केस ब्यूटी लाउंज, एक बार आ जाओ फ्रॉम हेयर टू फुल बॉडी एनी सर्विस. सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू केस. बेस्ट चीज़ क्या लगी यहाँ पे अपन अंदर विजिट किए, वाइब कैसी है? मुझे तो इसके एस्थेटिक्स बहुत अच्छे लगे, द एस्थेटिक्स आर रियली नाइस, इंटीरियर इज ब्यूटीफुली सेट एंड द बेस्ट पार्ट इट इज स्पेशियस, क्योंकि बॉम्बे में स्पेस की बहुत कमी है और खासकर ऐसे स्पेस जब मिल जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसे सलोन में जाते हैं तो ऐसा लगता है कब निकलूँ, थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है, बट दिस इज अ ह्यूज प्रॉपर्टी, अ बिग प्रॉपर्टी एंड ब्यूटीफुली डन. और बात करते हैं रील्स की, सोशल मीडिया की दुनिया में आप क्वीन हो, क्या कुछ फिलहाल कर रहे हैं और क्या कुछ आने वाला है? अभी तो मैं फिलहाल परसों निकल रही हूँ इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए, मिसेस इंडिया के लिए मलेशिया. सो होप फॉर ऑल द बेस्ट दैट आई विन द क्राउन, एंड बाकी रील्स तो आप लोग देख ही रहे हो एंड आई एम श्योर यू लाइक इट. आप लोग के सपोर्ट चाहिए एंड वेब सीरीज मेरा 3 शूट हो गया, नवंबर अक्टूबर से रिलीज स्टार्ट हो जाएगा. अंदर की प्रोजेक्ट्स है, एक मूवी प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मतलब शूट ऑलमोस्ट हाफ डन हो गया है, हाफ इज स्टिल लेफ्ट टू बी फॉरवर्ड. सो 3-4 थिंग्स ऑल टुगेदर, सो दिस ईयर आई रियली फील ब्लेस्ड. पापा से क्या दुआएं मांगी है पापा जी? ऑलरेडी पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल गणपति टाइम में वो एक अंदर से एक ऐसा फीलिंग आता है कि जैसे लगता है मतलब एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑल फॉर गुड. आई रियली वॉन्टेड टू विजिट लालबाग पर, बिकॉज ऑफ ह्यूज ट्रैफिक एंड हैवी मूवमेंट जा नहीं पाई, पर अपने सोसाइटी में बहुत अच्छे से हुआ, शायद आप लोगों को मेरा रील भी बहुत अच्छा लगा. तो दुआ यही है पापा से कि ऐसे ही काम मिलते रहे और काम कभी बंद ना हो, और सिर्फ हम मेरे नहीं सबके, पूरे इंडस्ट्री के सबके काम ऐसे ही चलते रहे एंड विथ ड्यू रेस्पेक्ट एंड इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल वर्ल्ड. थैंक यू. अपना जो अपना भैया का है, भाई की तरफ सपोर्ट करते हैं हमेशा, जो शिवपाल भैया, तो उनके तरफ से इन्विटेशन आए और देखे, बहुत ही काफ़ी बहुत अच्छा था, मतलब हर एक चीज़ के लिए अलग अलग स्पेसियस है, मतलब हर एक चीज़ के लिए प्रोडक्ट से लेके सब कुछ. और दोनों फ्लोर में अभी हम लोग विजिट किए तो देखे, हर एक चीज़ के लिए अपना एक डिपार्टमेंट है और बहुत अच्छा लगा, देखने में यूनिक लग रहा है कि मतलब, और स्पेसियस काफ़ी अच्छा स्पेसियस है कि लोग आए यहाँ पर, बहुत अच्छा. हाँ हाँ नाम, हाँ बहुत अच्छा. अब नाम के बारे में शिवपाल भैया जुड़े हुए हैं, अगर वो जो भी नाम रखते हैं तो वो यूनिक ही रखते हैं, सबसे पहला चीज़ तो उनका हर एक चीज़ यूनिक ही होता है. हाँ पापा का सीज़न है तो सही टाइम में खुला है ये, तो अच्छा जाए दुआ करते हैं इंशाल्लाह. वही बताया आपको कि मतलब हर एक चीज़ के अलग अलग डिपार्टमेंट है अंदर में, और स्पेसियस हर एक चीज़, मतलब लोग के बीच में अच्छा अच्छा स्पेस है अंदर में. अगर प्रोडक्ट आप देखो, प्रोडक्ट भी देखो, सब कुछ बहुत अच्छा है. हम लोग अभी विजिट किए तो बहुत अच्छा लगा, बहुत. और खुद का है मतलब, समझो तो घर वैसे घर का ही है समझो अपने. लाइटिंग्स बहुत अच्छे से लगाया गया है, कलर इज़ वेरी यूनिक, थीम इज़ वेरी यूनिक, एंड बहुत सारे कस्टमर्स एक साथ इधर आ सकते हैं विदाउट अनकम्फर्टेबल फील करके. कुछ कुछ सैलॉन्स होते हैं जिनकी स्पेस थोड़ी कम होती है एंड इरिटेट होता है, लाइक वेटिंग लिस्ट रहती है, तो इधर वैसा नहीं है. इधर बहुत सारे सीट्स अवेलेबल है और इनके अपर फ्लोर में भी है, सो डिवाइड करके बनाया गया है, तो आई लाइक द इंटीरियर वेरी मच. I feel so good to be here at the KS Beauty Launch and I think हर आर्टिस्ट की जर्नी में और हर कलाकार की जर्नी में एक जो ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू रखती है. ब्यूटी कांट स्टे विदाउट फैशन एंड फैशन इज मी, सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू कम हियर एट KS Beauty Launch एंड यस हियर वी गो, लेट्स सी कि क्या न्यू है अंदर और किस तरह की सर्विसेज हैं. तो मैं तो हेयर कलर देखूंगा मेरा क्या होने वाला है, सो या तो आज करवाऊंगा या कल. सो आई थिंक परसों आपको न्यू हेयर कलर देखने को मिलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल द वाइब इज़ वेरी लग्जरी एंड बहुत ही उम्दा तरीके से बना है, बहुत स्टाइलिश बना है, जस्ट लाइक मी और मेरी वीडियोस की तरह बहुत ही स्टाइलिश है अंदर से. और आई थिंक सारे कपल्स को यहाँ पर आना चाहिए अपने अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, बिकॉज देखो फिर वो एक के साथ दो हो जाएंगे, यू नो. अगर लड़के आएंगे तो लड़कियाँ कहाँ जाएंगी, लड़कियाँ आएंगी तो लड़के कहाँ जाएंगे. मुझे लगता है कपल्स को आना चाहिए ताकि मतलब एक के साथ एक कॉम्बो मिले सब लोगों को. मैं एक बात बोलूँगा इसके लिए कि जब आग लगती है तो धुआं उठता है, तो धुआं उठ रहा है तो आग भी कहीं ना कहीं लग रही होगी.
देखो मैं तो मसालेदार इंसान हूँ और मुझे फीकी चीज़ें बिल्कुल पसंद हैं, चाहे वो मेरी वीडियोज़ हों, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे मेरा इंडियाज़ गॉट टैलेंट हो। तो आई थिंक रोमांस के साथ बहुत ज़्यादा तड़का लगेगा मसाले का घर के अंदर, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर तरीके की खूबसूरत चीज़ को डेट करने वाला हूँ अंदर जाके। यस, उसमें तो बहुत मारदाड़ होने वाली है मैंने सुना है, तो आई थिंक हाँ मैं उस चीज़ के लिए भी ओके हूँ, मेरा हाथ दोनों खड़े हैं। सो गाइज, जैसे कि आप हमारे फैशन को, ब्यूटी को देखते रहते हैं, उसी तरीके से प्लीज़ विजिट KS Beauty Lounge back to back, because I think the services are so cool, so awesome, and if you want that luxury vibe to be in the salon, so please visit KS Lounge. इसलिए कि मेरे काफ़ी बिजनेस है, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट एक पसंद आया, तो फिर मैंने सोचा कि चेन ऑफ सलून करें, बहुत सारे सलून करें करके, तो अभी फर्स्ट पहला ओपनिंग कर रहे हैं। हाँ, नाम मैंने ऐसा रखा है कि मुझे एक नाम कहीं मिल नहीं रहा था, तो मैं खाटू श्याम, जो आप बहुत दिन अभी जानते हो, उनको शॉर्ट में मैंने के और एस कर दिया, तो उसमें वो मुरली और वो सब बना के मैंने ऐसा के एस करके उनके नाम से चालू कर दिया। हमारे काफ़ी बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन में है, हम लोग आईटी में हैं, टेक्नोलॉजी में हैं, तो हमने सोचा कि चैन ऑफ सलून में जाएं, तो डे टू डे लोगों को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है हम उसमें जाएं करके। यहाँ पे 90% लेडीज़ के लिए हैं, 90% लेडीज़ के लिए ही है, मतलब ब्यूटी लाउंज है, सलोन कम लाउंज ज़्यादा है, ब्यूटी लाउंज है। वी आर एक्साइटेड टू कम आउट विद अ सलोन वेयर एवरीथिंग इज little different from the market that we have come out with. So we want something different for clients, more of comfort that we can provide clients. Like we are into everything from head to toe, everything for clients, where client will never think that this is not there for them. It's everything for the client that we have. This is one of the high areas that we have right now, and in terms of the survey and everything, this is more potential area that we have. Welcome, thank you. छोटा भाई श्रीपाल जैन और भाभी जी को सबसे पहले बधाई देता हूँ। ये व्यक्ति कुछ ना कुछ यूनिक करता रहता है, तो मैं जब जैसे ही बोरीवली में एंट्री मारा तो ऐसे यूनिक सलून देखा नहीं, और फिर नाम भी काफ़ी यूनिक था, के एस ब्यूटी लाउंज। तो मैंने कहा के एस का फुल फॉर्म क्या है, तो इसने कहा खाटू श्याम जी। मैंने कहा यार खाटू श्याम जी के नाम से तूने अगर सलून रखा है तो मुझे लगता है कि हर दहीसर से लेके मरीन ड्राइव तक, चर्च गेट तक, हर स्टेशन में कम से कम 5 सलून हो गई है। खाटू श्याम जी का इतना बड़ा पर्चा है और इसने खाटू श्याम जी के नाम से रखा है। हमारी दिली इनको हार्दिक शुभकामना है कि आपका पूरा का पूरा चर्च गेट से विरार तक हर स्टेशन में कम 5 सलून हो। क्या बात है, खाटू श्याम के नाम से सलून है, तो क्या खाटू श्याम भक्तों के लिए कुछ ऑफर वगैरह रखने वाले हैं?
श्याम भक्तों के लिए है ना ऑफर? बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि बॉलीवुड की जितने भी सेलिब्रिटी है किसी न किसी एक एक को मैं लेके आया करूंगा, और इतना अच्छा ब्यूटी सलून इनका है कि मुझे भरोसा है कि वो आने के बाद काफ़ी खुश होने वाले हैं। दर्शन ही कर गया। मैं अभी लालबाग के राजा का दर्शन कर गया, इसके लिए सबसे मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे 5 बजे पहुँचना था, मैं लेट पहुँचा हूँ, तो सबसे पहले तो माफ़ी मांगता हूँ। और गणपति बप्पा से ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे श्रीपाल जैन की दुकानें ब्यूटी सलून अनगिनत हो। और जैसे मैंने इसको अब ऑफर दे दिया है कि अंधेरी में मेरी जगह है, तो नेक्स्ट टू ब्यूटी सलून वहीं बनाना। देखो शुरू हुई नहीं, उसके पहले इसके पास डिमांड आने लगी, मेरे इधर भी आओ, मेरे इधर भी आओ। तो यही खाटू श्याम जी का पर्चा और गणपति बप्पा का पर्चा है।